हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग अफेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ ये बच्चों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है। जी हाँ, आज मैं आपको एक हेल्दी शेक कह सकते हैं बताने जा रही हूँ। इसमें जो मेन फ्रूट यूज़ कर रही हूँ मैं वो है मलबरी, इसे शहतूत भी कहते हैं। आजकल मार्केट में ये काफ़ी है क्योंकि इसका सीज़न है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ये बना के देखती हूँ। क्योंकि मलबरी जो है ये काफ़ी रिच है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, इसमें काफ़ी फाइबर होता है, ये आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन के, इन सभी विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हुआ है। तो क्यों ना इससे एक हेल्दी सी रेसिपी बनाई जाए जो हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो और उन्हें हेल्दी रखे, अच्छा रखे। तो चलिए बनाते हैं मलबरी शेक। इसके लिए मैंने ये एक बाउल मलबरी लिया है, ये राइप मलबरी है, देखिए। इसमें मैंने कुछ अनराइप भी लिए हैं थोड़ा उसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। शुगर, चीनी, जितने ग्लास आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। एक ग्लास में मैं लगभग 2 स्पून चीनी का यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे 4 to 5 टीस्पून शुगर का यूज़ कर रही हूँ। 2 ग्लास ऑफ मिल्क और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये रोज़ एसेंस यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए। तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मलबरी को एक स्ट्रेनर में डालकर रिंस करना है आपको, चलते हुए पानी के नीचे रखकर इसको अच्छे से रिंस करना है, क्योंकि इस पर ज़्यादा आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, ये मैश ही होने लगते हैं। तो इसे एक स्ट्रेनर में डालकर पानी के नीचे रखकर और अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसे एक मिक्सी के जार में डालिए, शुगर, और इन दोनों को पहले हम ब्लेंड करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध है। अब एक बार इसे फिर से डाल के हम मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ब्लेंड करने के बाद ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ एक ग्लास लिया है और जो हमारा ये रोज़ सिरप है इसे 1 चम्मच लेंगे और ग्लास के एजेस पर ऐसे डालकर ग्लास को हल्का हल्का घुमाएंगे। ये सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए है, डेकोरेशन है, इससे देखने में ये थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है। और ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसमें ये पोर करेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये बनके बिल्कुल तैयार है और न्यूट्रिशन से, जैसे मैंने कहा आपसे, ये भरा हुआ है और आपके बच्चों को ये काफ़ी पसंद आएगा टेस्ट में। और आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।